हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सब लोग हाउ आर यू ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन सो बच्चों आज हम केमिस्ट्री का आसाम का पेपर डिस्कस करने वाले हैं एन का और जो भी बच्चे एन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका एन एग्ज़ाम आने वाला है उन सब के लिए ये पेपर बहुत ही यूज़फुल होगा टू नो कि क्या उनको केमिस्ट्री में आता है और किस तरह के क्वेश्चंस आर बीइंग आज इन क्वेश्चनसी केमिस्ट्री हाँ रेनेसा इज फ्रॉम आसाम ओ वाओ रेनेसा गुड सो यू गिव दिस एग्जाम दिस दिस एग्जाम येस रेनेसा डिड यू गिव द एन टी एस सी एग्जाम लास्ट संडे नेक्स्ट ईयर विल भी गिविंग ओके तो बी देर इन दिस सेशन बिकॉज क्या पूछता है आसाम एन टी एस सी में यू शुड बी नोइंग राइट ओके सो लेट अस स्टार्ट विद ए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन का जो कि मैंने अपने एन के सेशन जो लिए थे उनमें बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में से वाइल्ड रिवाइजिंग द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला पार्ट सो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन आया है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन पे ही आया है बच्चों राइट सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन इनमें से किसकी रिडक्शन हुई है सो यू कैन सी एफ वी टू ओ थ्री से बन गया है एफ ई लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन था वो निकल गया सो वॉट इज रिडक्शन अगर मैं पुरानी डेफिनेशन की बात करूँ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सो सिर्फ वो अगर डेफिनेशन भी आपको पता है पुरानी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन uh, और रिडक्शन की देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली कि इनमें से किसकी रिडक्शन हुई है सो रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली और अगर मैं

दि दिसपुर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन परफेक्ट बहुत ईजी था नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट एक्सपोजर किया है तुमने एजीसीएल का सनलाइट में लॉन्ग ड्यूरेशन में इट टर्न्स ग्रे व्हाट इज द रीजन यस व्हाट इज द रीजन यू हैव एक्सपोज़र ए एंड इट टर्न ग्रे क्या कारण है वॉट इज द रीजन जस्ट चेक आउट द आंसर बच्चों वॉट इज द रीजन रीजन क्या है येस प्लीज वॉट इज द रीजन योगेश क्या कह रहे हो आप येस सो ऑफकोर्स आंसर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सिल्वर की फॉर्मेशन हो गई है ऑन द सरफेस जिसकी वजह से वो दिख रहा है ग्रे राइट यस सो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंथ का उसमें से फ्रीक्वेंटली हर बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्टेट और यूटी की एन टी एस सी में सो so, वो वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीआर टी केमिस्ट्री सी बी एस सी का प्लीज उस चैप्टर को सब लोग बहुत ध्यान से करें नेक्स्ट क्वेश्चन अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिस्ट मज बू रेड से ब्लू हो गया बहुत आसान जल्दी जल्दी बता दीजिए और वैसे भी स्मार्ट बनके भी हम आंसर कर सकते हैं इसका रेड टू ब्लू रेड टू ब्लू तो क्या होगा रेड से ब्लू कौन करता है लिटमस लिटमस इज़ एन इंडिकेटर रेड से ब्लू कौन करता है लिटमस को रेड से ब्लू यस प्लीज़ रेड टू ब्लू कौन करता है रेड टू ब्लू परफेक्ट है बिल्कुल 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 परफेक्ट वैसे भी यू ऑल कैन सी ऑड वन आउट इज दिस यस ऑड वन आउट इज दिस सेवन से नीचे अगर पीएच होगी तो एसिडिक होगा सेवन से ऊपर पीएच होगी तो बेसिक होगा एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो ये जो पहले तीन ऑप्शन हैं राइट वो सारे ही एसिडिक को शो कर रहे हैं एंड हमें पता है सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा राइट सो दैट इज डी तो एट टाइम स्मार्ट होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड वर्क सो ऑफकोर्स बहुत आसान क्वेश्चन है आई विल से द आंसर ऑफकोर्स इज अगेन डी दिसपुर राइट ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जरूर पता होना चाहिए पीएच का सब लोगों को कि किस की क्या पीएच होती है बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज की जो एन एग्ज़ाम है इवन वी डिस्कस चंडीगढ़ का एग्जाम यस्टरडे ऑल्सो तो कौन से खाने की चीज़ में या किस में कौन सा एसिड है या क्या पी एच है वो भी पूछा गया था तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आते हैं कि किस फूड आइटम या किस डे टू डे लाइफ के आइटम की पीएच क्या है उसमें कौन सा एसिड है तो यू ऑल शुड बी नोइंग अगर आप वाकई में चाहते हैं एन केमिस्ट्री में रॉक करना राइट right? चलो वॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी पी एच ऑफ रेन वाटर रेन वाटर की पी एच डिस्टिल्ड वाटर से ज़्यादा की कम रेन वाटर जिसमें बहुत सारे आयन्स होंगे डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आयन्स नहीं हैं राइट सो पी एच ऑफ रेन वाटर इज वॉट डिस्टिल्ड वाटर से ये सारे क्वेश्चन सब बच्चे कर सकते हैं नाइन टेंथ के सारे बच्चे चाहे आपने एन टी दिया है आप आसाम से हो नहीं हो एवरी वन शू डू दीज क्वेश्चन राइट इवन इफ यू आर नॉट यू नो टारगेटिंग एन टी दिस ईयर बट ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे तो अगर एन दिया है या देना है तब तो मैंडेटरी है ही बट इवन इफ यू आर इन नाइन्थ और टेंथ एनी स्टूडेंट नाइन्थ टेंथ का आई वॉन्ट टू सी दिस एंड चेक की क्या क्वेश्चन आते हैं और उनको इनमें से कितने पता हैं येस yes, बहुत ही बढ़िया आशीष बहुत बढ़िया गुड गोइंग ओके सो पी एच ऑफ रेन इज लेस देन डिस्टिल्ड वाटर सो यू कैन हैव अ लुक हियर, यू कैन सी हियर बच्चों देख सकते हो तुम ये रहा पी एच के ये रही हमारी एसिड रेन एसिड रेन से पता चल तो रहा है एसिडिक है राइट और ये है हमारी नॉर्मल रेन ये है हमारा प्योर वाटर राइट सो बिकॉज देयर आर सम आय एसिड्स जो हमारे एटमोसफेयर में हैं दे गेट डिजोल्व गैसेस हैं बहुत सारी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन वी हैव सो मेनी गैसेस व्हेन दे मिक्स विद वाटर दे फॉर्म एसिड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स हमारे जो रेन है कई बार एसिडिक हो जाती है क्या कारण है एसिड रेन का पॉल्यूशन राइट right? अब क्वेश्चन में नॉर्मल रेन वाटर था एंड डिस्टिल्ड वाटर का कंपैरिजन था ऑफ कोर्स पीएच ज़्यादा एसिडिक होता है डिस्टिल्ड वाटर से हमारा रेन वाटर ओके द नेक्स्ट द नॉन मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आई विल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सिमिलर सा क्वेश्चन कल ही हमने देखा कि एन टी चंडीगढ़ में भी आया था राइट यस सो देखो आसाम में भी सिमिलर सा क्वेश्चन आया है वॉट इज विच इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बहुत ही कॉमन है बहुत ही कॉमन है येस yes. बिल्कुल जय एस्पिरेंट यू कैन डेफिनेटली डू डेफिनेटली यू कैन डू कौन सा है जल्दी से बता दीजिए कल मैंने एन से चंडीगढ़ का पेपर डिस्कस किया था तो आज जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो कल डिस्कशन नहीं लगाई थी नहीं डिस्कस किया था मेरे साथ जरूर देख लेना बच्चों बहुत फायदा होगा बहुत मदद मिलेगी आंसर इज ब्रोमीन कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कल के सेशन में मैंने और कौन से एलिमेंट्स बताए थे विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और अदर एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेंपरेचर अदर देन ब्रोमीन मरकरी बिल्कुल सही स्टार ने बोला मरकरी इज देयर व्हाट एल्स और कौन से ऐसे एलिमेंट्स और लिक्विड रहते हैं रूम टेंपरेचर के अराउंड मरकरी ब्रोमीन गैलियम सीजियम एंड फ्रेंशियम राइट सो रूम टेंपरेचर या अराउंड रूम टेंपरेचर ये सारे ऐसे हैं जो कि रहते हैं लिक्विड देखो बच्चों चंडीगढ़ के पेपर में भी आया आसाम के एन पेपर में भी आया यू नेवर नो जब तुम जिस स्टेट का पेपर दो उसमें भी सिमिलर सा क्वेश्चन आ जाए यस सो प्लीज़ ध्यान से आप लोग कीजिएगा सारे क्वेश्चन डोंट थिंक कि आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट तो आसाम का एन या चंडीगढ़ का एन मुझे क्या करना है तो आई एम प्रूविंग वी आर सींग कि भाई क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं जैसे चंडीगढ़ के थे उससे बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ वी आर हैविंग इन का एग्जाम राइट ओके अंगद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सो so, जहां से आप टेंथ कर रहे हो अंगद वहां से जो भी स्कूल है जिस स्टेट में है आपका स्कूल वहां से यू कैन गिव एन टी एस सी ओके वेरी इजी एलॉय एलॉय क्या है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स मेटल्स होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं दैट फॉर्म एलॉय एंड इसका सबसे खूबसूरत और कॉमन एग्जांपल सबको पता है दैट इज स्टील राइट सो एलॉय इज क्या है अलॉय एलॉय इज अ मिक्सचर मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स बहुत आसान बहुत ही ज्यादा आसान राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया देखो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं बहुत सारे तो नहीं आर सर्टेन मेटल जिन्हें हम कहते हैं नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लैटिनम जो एसिड में डिजोल्व नहीं होते हैं राइट right? बट वो किस में डिजोल्व हो जाते हैं बच्चों येस yes, हाय नमन हाँ जी आशीष जल्दी बताओ सब लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं किस में डिजोल्व हो जाते हैं एक्वा रिजिया में अब एक्वा रिजिया रॉयल वाटर बिल्कुल सही बोला जाइए एक्सपीरेंट ने एक्वा रिजिया रॉयल वाटर क्या है किसका मिक्सचर है यस किसका मिक्सचर है तनिषा वो भी डिस्कस होगा डोंट वरी बच्चे वो भी डिस्कस होगा यस किसका मिक्सचर है गोल्ड और प्लैटिनम को डिजोल्व करने के लिए बिकॉज अदरवाइज प्लैटिनम एंड गोल्ड दे आर नोबल मेटल्स राइट दे डोंट रिएक्ट इजीली। ओके, सो जनता को पता है, इजीलिता हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है इन थ्री रेशो वन क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स कैन यू राइट मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं बाद में वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन विच एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स ओके आप आंसर करें इतना हम मूव करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉबर नियर ट्राइड डॉबर नियर ट्राइड इनमें से कौन सा नहीं है सो so, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया आई कैन सी वन टू नाइन इज देयर श्रिया आशीष स्टार जेपिरेंट विजयाल्फ्यूरिक एसेड ओके फाइन सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन डॉबर नियर ट्रायड आई होप यू रिमेंबर जब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी थी तो डॉबर नियर ने क्या किया एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया थ्री थ्री के ग्रुप्स में ट्रायड्स बना दिए सच दैट द वेट अटोमिक वेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द अर्थमैटिक वीन ऑफ वेट मीन ऑफ द अटोमिक मैसेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है ना तीन तीन के ग्रुप्स बना दिए थे

थोड़ी सी कंफ्यूजन जिसकी वजह से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं नियर ट्रायड जिस तरह से नियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन है ये पीरियोडिक टेबल सो बच्चों क्या आंसर होना चाहिए व्हाट शुड बी द आंसर सो लिथियम सोडियम पोटासियम को एक ग्रुप में रखा था डॉबरनियर ने कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम को एक ग्रुप में रखा था सेम क्लोरीन, ब्रोमिन आयोडीन एंड सल्फर सेल्यूरियम टेलूरियम भी था अब देखो बहुत ट्रिकी क्यों है क्योंकि डॉबर ने कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम को एक ग्रुप में बनाया था और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन में है कैल्शियम स्ट्रॉनशियम एंड मैग्नीशियम। कैन यू सी वी हैव कैल मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रॉनशियम बट इट इज कैल्शियम स्ट्रॉनशियम एंड बेरियम तो बच्चों को फीलिंग तो आएगी ये तो वही ग्रुप लिखा है कैल्शियम स्टॉन्शियम बेरियम वाला बिकॉज दे ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल यही वो मार्क आ जाएंगे यही वो फस जाएंगे और दे माइट आंसर डी एज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू डेम राइट सो बच्चों दिस इज ट्रिक दिस इज यू नो द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल से कि भाई बच्चों का लगेगा डी ऑप्शन है क्योंकि उनको बी ऑप्शन देख के फील आएगी अच्छा ये भी तो था जो हमने पढ़ा था सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेरी वेरी केयरफुल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज न्यूलैंड अगेन प्रोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन है न्यूलैंड जिसने ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग अटोमिक मासज एंड ही सेड ही सेड वॉट ही सेड कि भाई वेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग अटोमिक मासस एवरी एट एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट राइट यही था तो बस यही क्वेश्चन भी है वॉट शुड बी द आंसर जैसे सारे रे गा मा पा धा नी सा वापिस से सा आ जाता है एट वही बेस बना के न्यूलैंड मस्ट भी म्यूजिक लवर आयल से राइट तो उसने अपना क्लासिफिकेशन या एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका वॉट शुड बी द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाना चाहिए आंसर इसका बी बॉम्बे बस जिसको ये पता है कि कैसे अरेंज किए थे न्यूलैंड ने एलिमेंट्स तो वो इसको इजीली कर सकता है राइट ओके लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बाय अनायन बाय वेलेंट अनायन मतलब Anion means means two हो कितना चार्ज टू नेगेटिव ये वॉट शुड बी द राइट आंसर इनमें से किस एटम का जो आयन होता है दैट इज फॉन्न बाई गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन राइट बाय अनायन ओके यादनेश कुछ क्वेश्चन वो टफ इन महाराष्ट्र की एन टी एस सी देर हो भी सकता है बट क्वेश्चन थोड़े से टफ भी थे इस बार महाराष्ट्र में तो यू यू कांट से मतलब बहुत प्रिसाइजली यस सो और वन फिफ्टी प्लस हो सकता है ओके सो आंसर क्या होगा कौन सा होगा ऑफकोर्स ऑक्सीजन सबको पता है ऑक्साइड आयन वोट इज ऑक्साइड आयन ओ टू ऑक्साइड आयन राइट ऑक्साइड आयन फ्लोराइड माइनस वन फ्लोराइड माइनस वन नाइट्रोजन की बहुत वेरिएबल रहती हैं माइनस वन माइनस माइनस वन कर दिया प्लस थ्री कर दिया प्लस फाइव कर दिया सो मैनी सो मेनी आर देयर राइट बट दे देर आस्किंग अबाउट बाय जिसपे टू नेगेटिव आयन रहता है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन

किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चों यस yes, किसके साथ दिस इज क्लोरीन नंबर इलेवन इज सोडियम अटोमिक नंबर एटीन इज अ नोबल गैस आर्गन एंड ट्वेंटी इज कैल्शियम तो ये तो मेटल है और पोटासियम भी मेटल है आर्गन तो नोबल गैस है बिल्कुल साधु सन टाइम नो रिएक्शन बचा क्या सबको पता है के सीएल आयोनिक बॉन्ड के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव प्रिटी 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 सिंपल बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्लोक भी सो आंसर क्या हो जाएगा कितना आसान क्वेश्चन आंसर इज एटॉमिक नंबर 17 वाला एलिमेंट्स बिल्कुल पोटेशियम क्लोराइड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 4 2 plus 8 plus 4 दैट इज 14 एटॉमिक नंबर टू एट फोर सेकेंड फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकेंड में एट एंड थर्ड में फोर तो फोर्टीन हो गया ना भाई हमारा अटोमिक नंबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल आइटम में उतना ही अटोमिक नंबर भी रहेगा सो विच शुड बी द आंसर अटोमिक नंबर फोरटीन कौन सा रहता है एलिमेंट सबको पता होगा सिलिकन सिलीकन अटोमिक नंबर फोर्टीन कैन यू टेल मी सिलिकॉन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप का एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर इज दिन कार्बन फैमिली का ये सदस्य है ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रियोडिकेबलोर्स ग्रुप आई विल से राइट ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक प्रियोडिकेबल इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन विच ग्रुप कार्बन वाला ग्रुप कौन सा है कार्बन वाला ग्रुप उसी में है फोर्टीन ग्रुप परफेक्ट फोर्टीन ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकन कल सिलिकन जैसा ही क्वेश्चन सिलिकन पे ही क्वेश्चन मेटेल पे क्वेश्चन भी आया था एन चंडीगढ़ के पेपर में इस बार राइट सो मेटेलॉइट्स का पता होना पीरियोडिक टेबल की अच्छे से जानकारी होना इस मैंडेटरी एन के लिए ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मुझसे पूछा जाए कि नाइन्थ की केमिस्ट्री जो कि के अक्सर आती है एन टी एस सी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मोल कॉन्सेप्ट और ये अटोमिक स्ट्रक्चर के रदर फोर्ड का एक्सपेरिमेंट राइट सो वॉट शुड बी द आंसर रदर फोर्ड जी ने क्या बताया था रदर फोर्ड जी ने बताया था एटम के सेंटर में देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एंड दैट न्यूक्लियस हैज ऑल द पॉजिटिव चार्ज द मास ऑफ द एटम राइट येस सो रदरफोड एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ़ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ़ एटम एटम का साइज बहुत बड़ा है रिलेटिव टू दैट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बारे में सबसे ज़्यादा बात की थी रदर फोर्ड ने बट जो क्वेश्चन जिस तरह से पुट किया गया ना बच्चों ये क्वेश्चन जिस तरह से पुट किया गया है एन टी एस आसाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है देआर नॉट डायरेक्टली आस्किंग की रदर फोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की या क्या बताया अबाउट एन एटम तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ इट इज़ लाइक किससे रिलेट कर रहे हैं बेसिकली रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इज अबाउट कि एटम कैसा दिखता है हाँ क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर आई कैन से इज ऑफकोर्स द न्यूक्लियस विच स्पीसीज डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किसके पास नहीं है हमें पता है एटम्स में इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं इनमें से किस में न्यूट्रॉन्स नहीं है आंसर लिखिए किस में न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे भाई सिर्फ हाइड्रोजन 1-1। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। सो इसमें इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है एक और न्यूट्रॉन है जीरो यस yes, तो यही वो एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं यस राइट परफेक्ट सो वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटोन अटोमिक नंबर भी वन मास नंबर भी वन अटोमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं

जिसका मास नंबर टू अटोमिक नंबर वन ट्रेटियम? दिस इज रेडियो एक्टिव मास नंबर थ्री अटोमिक नंबर वन सो डूटीरियम एंड ट्रेटियम जो बाकी दो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के उनमें तो न्यूट्रॉन्स हैं बट प्रोटियम में नहीं है राइट सो दिस क्वेश्चन इज ए फॉर एप्पल करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स विद वैलेंसी वन एलिमेंट्स विद यस ये एलिमेंट्स विद वैलेंसी वन आर इनमें से किसकी वैलेंसी वन होगी नो माइडिया वन वैलेंसी इधर प्लस वन और माइनस वन चार्ज प्लस वन और माइनस वन चार्ज ओके okay, हम सबको पता है मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे हमें पता है सोडियम पॉजिटिव हमें पता है पोटासियम पॉजिटिव क्या हमें क्लोरीन नेगेटिव फ्लोरीन नेगेटिव का भी पता है बिल्कुल पता है तो इसकी भी वैलेंसी वन उसकी वैलेंसी भी वन राइट यस हाय निधि आर यू यस प्लीज आदित्य जो आंसर कर रहा है ली, लीथल जो आंसर कर रहा है व्हाट शुड बी द आंसर क्या आंसर हो जाएगा देखो बच्चों मेटल्स की वैलेंसी वन प्लस वन चार्ज नॉन मेटल्स फ्लोरीन क्लोरीन उनकी वैलेंसी भी वन सो व्हाट शुड बी द आंसर ईदर मेटल और नॉन मेटल यस परफेक्ट है गुड गुड गोइंग बहुत आसान चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से देख रहे हैं कि इस बार आसाम ने एन टी केमिस्ट्री में क्या पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज टू एट वन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दे दी टू एट वन यहां से हम क्या बता सकते हैं 2 प्लस एट प्लस इलेक्ट्रॉन इलेवन इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम नंबर इलेवन हो गया तो कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं ये देर टॉकिंग अबाउट सोडियम अटोमिक नंबर इज इलेवन दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट सोडियम तो सोडियम की बात हो रही है राइट right? सोडियम की बात हो रही है ना उन्होंने पूछा है सोडियम की रिएक्टिविटी किसके सिमिलर है किसके सिमिलर है एंड वी ऑल नो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज दे हैव राइट सो सोडियम की प्रॉपर्टी इन में से किसके सिमिलर है बच्चों उसके ग्रुप वाला एलिमेंट ढूंढिए जल्दी ग्रुप नंबर वाला बिल्कुल सोडियम वॉट शुड बी द आंसर बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप लोग दैट इज के पोटाशियम एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड ग्रेफाइट, फलरीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए हर स्टेट हर यूटी के एनटीएससी में श्योरली एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है फलरीन पे भी आता है डायमंड ग्रेफाइट पे भी आता है सो इन डायमंड बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स यू ऑल नो डायमंड में कार्बन आर टेट्रा अरेंज राइट कार्बन टेट्राहेड्रली सारे कार्बन हैं अरेंज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली अरेंज चार और उसने बॉन्ड बनाए हैं चार और कार्बन के साथ कौन से बॉन्ड बनाए हैं इज इट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इट आयनिक बॉन्ड इज इट अ कोवलेंट बॉन्ड इज इट अ इलेक्ट्रोसेटिक बॉन्ड यस विच बॉन्ड डायमंड में कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है कार्बन कार्बन मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग राइट एक मेटल है और एक नॉन मेटल है उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयोनिक बॉन्ड राइट बट नॉन मेटल और नॉन मेटल कार्बन और कार्बन में जो बॉन्ड बनेगा विच काइंड ऑफ बॉन्ड इट विल बी ऑफकोर्स कोवलेंट बॉन्ड एंड ईच कार्बन इज टेट्राइड्रोली सराउंडेड राइट चार और कार्बन से सराउंडेड रहता है इन डायमंड बिल्कुल बढ़िया और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स राइट आई एम श्योर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड आयनिक फॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन आप सबको पता है राइट ओके इज नॉट नॉट नो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में पैनिक में प्रेशर में आके ये मिस कर देते हैं नॉट पूछा है कि क्या पूछा है सो so, ये वो जगहें हैं जहाँ पे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स हो गई राइट right? और जिससे हमारी परफॉर्मेंस हमारा रैंक बहुत हैम्पर हो जाता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वॉट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन बच्चों ने कार्बन कंपाउंड पढ़ा है दे मस्ट बी नोइंगट आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता सिंगल बॉन्ड होता है राइट सो साइक्लोहेक्सेन में सारे सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन में सारे सिंगल बॉन्ड एंड व्हाट इज आइसोब्यूटेन बच्चों व्हाट इज आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन क्या है दिस इज आइसोब्यूटेन राइट सो बेंजीन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बेंजीन जिसके अंदर हमारे पास क्या है देर इज डबल बॉन्ड दैट मीन इट इज अनसे परफेक्टली इजी बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स बहुत ही कॉमन कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है ये राइट right? बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल सही बहुत आसान ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओ वाओ बक मिनिस्टर फलरीन कल ही हमने बहुत बात की बकी बॉल्स के बारे में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेश्स भी दी कि कितनी बक फलरीन सी सिक्सटी राइट कितनी पैंटगनस हैं कितनी एक्सगन रिंग्स हैं कार्बन की कितनी वर्टसिज हैं ये सारी कल हमने बातें चंडीगढ़ का एन का पेपर डिस्कस करते हुए की थी अगर किसी को और जानकारी चाहिए बकी बॉल्स बक मिनिस्टर फलरीन सी सिक्सटी के बारे में अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में कल का लेक्चर मेरा जरूर देख लें जरूर से NTSE चंडीगढ़ का जब पेपर डिस्कस हुआ था इंपॉर्टेंट है जस्ट सी बच्चों वही उसी पे क्वेश्चन बक मिस्टर फलरीन का ही क्वेश्चन आ गया है हमारे पास इस पेपर में भी NTSE असम के पेपर में भी अब तो बिल्कुल बिंदास वी कैन आंसर दैट इज कार्बन डायमंड ग्रेफाइट एंड फलरीन दे आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म एलोट्रोपिक क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन राइट उसके अलावा कोल चारकोल ये सब भी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है बट अमोरफस फॉर्म्स है राइट बिल्कुल सही आदित्य बिल्कुल बढ़िया गुड ओके लेटस मूव ऑन टू द्वेश्चन द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड कौन से दोनों तरह के बॉन्ड है आय वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बना है और कोवलेंट बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड है चलो जल्दी से देखते हैं राइट कोवलेंट कैल्शियम ऑक्साइड आयोनिक आयोनिक एंड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम और क्लोराइड में तो आयोनिक बॉन्ड है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन ऑपोजिट चार्जेस आयोनिक बॉन्ड बट अमोनियम आयन में अगर मैं बात करूं अमोनियम आयन इफ आर टॉक अबाउट अमोनियम आयन ये इसमें क्या है आपस में कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है अमोनियम क्लोराइड हेज टू आयन अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन सो अमोनियम एंड क्लोराइड आयन में ऑपोजिट चार्जेस में जो अट्रैक्शन होती है दैट इज आयोनिक बॉन्ड राइट बट अमोनियम आयन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग है हाई रूबीना दैट इज दैट इज कोवलेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है राइट सो आंसर राइट आंसर शुड बी अमोनियम क्लोराइड और सिमिलर से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जेई में भी मिलेंगे जेई मेंस में राइट सो देखो बच्चों एन टी आसाम का पेपर वी जस्ट डिस्कस नाउ टेल मी हाउ इज योर फील कैसा पेपर लगा तुम्हें इस तरह का पेपर क्या आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे ये हाउ इज द फील आफ्टर सींग द क्वेश्चन ऑफ एन टी केमिस्ट्री का पेपर हाउ इज द फील कि आप क्या मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अबाउट एन टी एस सी एग्जाम इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं यू ऑल कैन बी एन टी एस सी स्कॉलर माई डियर स्टूडेंट्स राइट जस्ट लगे रहो एफर्ट्स करते रहो और अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखो राइट लास्ट क्वेश्चन क्योंकि आज हमने एन टी एस सी आसाम का केमिस्ट्री का इसी साल का पेपर डिस्कस किया है Okay, thank you so much. Stay tuned, everyone. Right? God bless you all and keep putting your efforts for NTSC because I am sure you all will be NTSC scholars. Right? Thank you. Thank you so much.